आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे स्वीप शॉट के बारे में। बड़ा इफेक्टिव शॉट है स्पिनर के अगेंस्ट में, और इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बॉल की लाइन में जाना है आपको एग्जैक्ट, और कैसे उसको करेंगे। स्वीप शॉट खेलने के लिए स्टांस पे आके आपको यहाँ पे पूरा आना है, और जब आपको बैंड होना, बॉल पिच होगी आपकी लाइन में तो पूरा आपको यहाँ पे आके बैंड होना है और हेड स्टिल रखना है। और जिसमें आप खेल रहे हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जितना बॉल पहुँच सकते हैं आप, बॉल के जितने पास आप पहुँच सकते हैं उतना आपको स्ट्रेच करना है। बॉडी स्टिल होगी, हेड स्टिल होगा, आपको पूरा हैंड मूवमेंट पूरा यहाँ से पावर लेके बैकलिफ्ट के साथ में पूरा फिनिश करना है। और ये स्वीप शॉट इफेक्टिव रहता है ऑफ ब्रेक बॉलर के अगेंस्ट में। वैसे तो देखा जाए तो ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक में कोई भी बॉलर हो दोनों के अगेंस्ट में खेल सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिवली ये है कि जब हम बात करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट में, क्योंकि हमको लाइन उसकी डाइवर्ट करनी होती है, तो जब लाइन डाइवर्ट करनी होती है तभी हम इस शॉट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा इफेक्टिव शॉट है, और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के जानब ये बेहतरीन रन देते हैं, और इसको बड़े ही केयरफुली ढंग से खेलना चाहिए। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस लाइन में आप खेल सकते हो और किस लाइन पे आपको अवॉइड करना है। जैसे हमने ये लाइन बनाई है, ये अलग अलग लाइन है, तो इन सभी लाइनों में आप खेल सकते हैं, लेकिन जब ऊपर का बॉल मिलता है तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब बॉल मिडिल स्टंप पे हो तो इस शॉट को अवॉइड करें, क्योंकि मिडिल स्टंप पे रहेंगे तो लेग बिफोर विकेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिस्की शॉट है, तो इस चीज़ पे आपको याद रखना है। तो जब भी आपको कहीं भी बॉल मिले, बॉल की लाइन है, आपने बॉल की लाइन जेट कर ली, और जैसे ही बॉल पिच करती है, पिच को पहचान के आपको बॉल की लाइन एग्जैक्ट लाइन में जाना है, ऊपर लाइन के ऊपर, और आके पूरा ये मीट करना है, जितना ज़्यादा हो सके मीट करना है, और कभी कभार आपको फुल स्ट्रेच के साथ जाना पड़ेगा। जो भी करना है वो भी एक बार में करना है, दो बार में नहीं करना है, सेम यही लाइन है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब रहेगा जब बॉल ऑफ स्टंप पे हो यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो लेग स्टंप पे भी खेल सकते हैं। बस लेग ब्रेक पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कमिट करना है, प्री माइंड होकर इस शॉट को नहीं खेलना है, कि जैसे बल्लेबाज प्री माइंड होकर खेलते हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना है, बॉल को पूरा वॉच करना है, और अगर आपने एक बार मन बना लिया है तो आपको पूरा एफर्ट देना है। कोई भी मन में डाउट ना हो, जितना आपको स्ट्रेच कर सके थे बॉडी वेट पूरा एग्जैक्ट आगे जाएगा, और हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरे स्ट्रेच के साथ पूरा हाथ पूरा लेके जाएंगे, बॉल तक पहुँचेंगे। जो पहली ड्रिल है, बात करते हैं स्वीप शॉट के पहली ड्रिल के लिए। तो पहली ड्रिल पे हम लोग को, जैसे मैं बोलता हूँ, हैबिट में जाना, क्योंकि हैबिट नहीं होगी तो आप खेल नहीं पाओगे। तो पहला फुल टॉस बॉल से ट्राई करेंगे और स्विप शॉट की पोजीशन में आ जाएंगे, और जैसा भी है आप खेलोगे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, आपकी हैबिट में आएगी, जब हैबिट जनरेट होगी तभी आप एक अच्छा शॉट खेल सकते हो। तो बात करते हैं, सेकेंड ड्रिल में आपको सेफ्टी के साथ खेलना है। वैसे तो स्वीप शॉट खेलने से पहले या जब भी खेलते हैं आपको हेलमेट लगा के रखना है पूरा सेफ्टी मेजर के साथ में। तो इस ड्रिल में हम क्या करेंगे, बॉडी वेट आगे लेके जाएंगे और जितना स्ट्रेच होते हो बॉल के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये बॉल ड्रिल बड़ी इफेक्टिव है, इसमें अभी पूरा नहीं करेंगे, इसमें हाफ करेंगे, जैसे अभी फुल टॉस बॉल के साथ ट्राई किया, तो अब इस बार वन टिप के साथ।
आपने देखा मैंने बॉल के पास तक पहुंचने की कोशिश की। अब जो है जो तीसरी ड्रिल है वो फुल ड्रिल है, उस पर हम पूरा वर्क करेंगे कैसे एक स्वीप शॉट खेलते हैं। तो ये ड्रिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले की दो ड्रिल आप कंप्लीट कर लें, तीसरे ड्रिल में आपको इजीली फील आएगा और आप आसानी से खेल पाओगे। शॉट के बारे में आज का वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। एक चीज और पर्सनली बोलना चाहूंगा आप सबसे कि जितना भी ड्रिल क्रिकेट में ऐसा कोई शॉट नहीं है जिसकी ड्रिल नहीं हो, तो जब भी आप ड्रिल करें कोशिश करें कि पूरा उसमें पहले मिडलिंग करें, बॉडी स्टिल रखें, हेड स्टिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी शॉट को खेलने के लिए जब तक आपका हेड स्टिल नहीं होगा और आप अच्छे से परफेक्ट शॉट नहीं खेल पाएंगे। और स्वीप शॉट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको पहले से कमिट नहीं होना, क्योंकि पहले से आप कमिट हो जाओगे तो दिक्कत ये होगी कि बॉल पड़ने के बाद आपको दिक्कत आएगी, लाइन मिस कर जाएंगे और लाइन मिस कर गए तो आप रिस्क, चूंकि रिस्क ले रहे हैं तो ऑलवेज रिस्क रहेगा।